तो चलिए एक प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन करते हैं जो कि 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और किस टॉपिक पर पूछा है पहले बच्चों, इस टॉपिक पर, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर, यानी दो करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर होते थे और उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगता था, ठीक है, आपने निकाला भी था, एक्सप्रेशन भी था, तो इसके बेस पर क्वेश्चन पूछा है पहले बच्चों। अब देखो ये क्वेश्चन जो है लॉजिकल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन दे। इसने कहा कि आपके पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स है, वो एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दे। ये कहता है ऑप्शन ए में आपसे पूछा है कि बताइए वो क्या करेंगे, कि ये बीम जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना, ये कह रहा है अट्रैक्शन ईच अदर होगा, ऑप्शन बी आप देख रहे हैं रिपेल ईच अदर होगा, या ऑप्शन सी नाइदर अट्रैक्ट और नॉर रिपेल, ठीक है, ऑप्शन सी में। और ऑप्शन डी में पहले बच्चों पूछा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ बीम, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है डिपेंड करेगा इन बीम की स्पीड, ठीक है, ये बात कर रहे हैं। सही ऑप्शन आपको लगाना है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, फिर बच्चों यहाँ पे एक बीम वर्ड लिखा है, तो बीम का भी नहीं क्या होता है, देखो बीम का मतलब होता है जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक लाइन की फॉर्म में चल रहे हो ना तो उसे बीम कहते हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब लाइन की फॉर्म में चलो, जैसे रेज नहीं चलती है लाइन की फॉर्म में, इसी तरह से इसको बीम बोलते हैं। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है पैरेलल चल रहे हैं और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो सपोज कीजिए आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखो, इन इलेक्ट्रॉन का बीम जो है एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मान लीजिए ये ऊपर की तरफ अपवार्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनका बीम, ठीक है। अब फिर बच्चों दूसरी ओर आप देख रहे हैं इसके पैरेलल बहुत सारे प्रोटॉन जो है वो भी ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसने कहा पैरेलल टू मूव इन अ सेम डायरेक्शन, यानी एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए और सेम डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अब आप ध्यान से इसको देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो ऊपर की तरफ है, प्रोटॉन का मोशन भी ऊपर की तरफ है, लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्ज के तो अलोंग मूव करता है और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर ऊपर है तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो करंट आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, राइट, तो करंट की डायरेक्शन आई वन जो है वो नीचे की तरफ मान लेते हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन का फ्लो ऊपर की तरफ है तो फिर बच्चों करंट का फ्लो भी तो ऊपर की तरफ ही आएगा, तो इसे I2 मान लेते हैं, तो यहाँ प्रोटॉन की वजह से करंट I2 ऊपर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन की वजह से I1 करंट जो है नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर दो करंट एक दूसरे के पैरेलल हो और एक दूसरे के एक तरह दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो तो वहां पे इन दोनों के बीच में क्या होगा, फिर बच्चों क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन। आपने फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में जो फोर्स निकाला था तो वहां पे यही पढ़ा जाता था कि कंडक्टर में अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो रिपल्सन होता है, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो फिर बच्चों अट्रैक्शन होता था, ठीक है। तो आपको समझ में आया तो सही ऑप्शन आपके पास आएगा रिपेल ईच अदर, क्योंकि यहां रिपल्सन होगा क्योंकि करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। आई होप आपको इस पिक्चर में ये समझ में आया होगा सब कुछ, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और मान लो आपका नेक्स्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया हमने, देखो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव पैरेलल टू ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन, पर बच्चों मैंने यहां सेम डायरेक्शन की जगह पे क्या कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन। तो आपसे ऑप्शन वही है आपके पास, देखो ऑप्शन वही है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन वही है अट्रैक्शन ईच अदर, ऑप्शन बी देखो आप रिपेल ईच अदर, ऑप्शन सी आप देखिए नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल, और ऑप्शन डी देखिए पहले बच्चों, ऑप्शन डी में कह रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ बीम, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, तो आप ध्यान से देखिए इस पिक्चर में, देखिए आप क्या कर रहे हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन का जो बीम है मान लीजिए ऊपर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रोटॉन का जो बीम है अब की बार वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का बीम और प्रोटॉन का बीम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है अपोजिट है एक दूसरे के, राइट, अपोजिट है। अब इलेक्ट्रॉन का बीम ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो फिर बच्चों करंट किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, फिर बच्चों नीचे की तरफ मान लीजिए आई वन करंट आएगा, और प्रोटॉन का फ्लो किधर की तरफ मूव कर रहा है, बीम ऑफ प्रोटॉन नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो फिर बच्चों करंट का फ्लो भी तो नीचे की तरफ आएगा, राइट, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के अलोंग जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है नेगेटिव के अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव कर रहा था तो इसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में आई वन करंट नीचे आया, लेकिन प्रोटॉन अब नीचे की तरफ मूव कर रहा है, अपोजिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के बीम का, तो करंट भी नीचे की तरफ आएगा। अब इन दोनों पिक्चर इस पिक्चर्स में देखिए यहां पे आई वन करंट और आई टू करंट सेम डायरेक्शन में मुकर रहे हैं प्यारे बच्चों, सेम डायरेक्शन में मुकर। अभी अभी मैंने बताया कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट सेम डायरेक्शन में मुकर करता है तो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अट्रैक्शन करता है, तो प्यारे बच्चों यहां पे ऑप्शन जो आपका ऑप्शन ए था जो अट्रैक्शन ईच अदर वो सही आएगा, तो ऑप्शन ए सही होगा आपका अट्रैक्शन ईच अदर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसी तरह से अपना रिवीजन करते रहिए और कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करते रहिए और क्वेश्चंस का आंसर सही से देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।